सब लोग का कहने का मानना है कि यहाँ पे जो है 2 रुपया रील खर्चा करता है उसकी जिंदगी की रील बहुत अच्छी बन जाती है। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज जा रहा हूँ आप लोग को एक नई चीज दिखाने जो कि हमारे सुल्तानपुर में है, कल्प वृक्ष, वहां पे लेके चल रहा हूँ आप लोग को। उसकी खूबियां और उसकी सब कुछ वो कहाँ पे है, अगर आप सुल्तानपुर में तो आप जा सकते हो घूमने फिरने या टहलने, जैसे भी आपका मन करे तो आप लोग जा सकते हो। तो चलिए वहां चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए। देखो मैं हूँ, शशांक है और पंकज। हम लोग पंकज और शशांक को इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं इस जगह के बारे में। भाई मुझे कुछ नहीं पता। मैं पंकज वो मुंह छुपा के भाग रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये लोग कुछ ज्यादा ही जानते हैं इस जगह के बारे में, तभी मैं इन लोग को लेके आया हूँ कि आप लोग इस बात इसको डिटेल में बताइए, समझाइए। ये पेड़ है बहुत पुराना। ये पेड़ मजाक नहीं, ये पेड़ है बहुत पुराना जो कि भारत। एक सेकंड, ये पेड़ है बहुत पुराना। एक सेकंड अभी बताना, रुक जाओ मैं पूछूंगा। जोर से बोलो, दूर है। पता है ना ये परियत। अब फिर से बोलो। यार ये डिस्टर्ब कर रहा है। ए काम चलो यहाँ से। तो हाय रागी, हाय, हाउ आर यू। हे डूड, देखो काटोगे तो हम नहीं मिलेंगे। वेट, कैसे हो? ठीक हो? देखो तुम्हारा मुंह थोड़ा सा डेंजर लग रहा है। हाँ तुम्हारा भी। तुम होल्ड, स्टे, काटोगे? पूछ हिला रहे तो नहीं काटोगे। कैसे हो? अरे नहीं काटोगे। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, गो। कलुआ वो है, ये ललुआ है, डाल है, भूरा है, भुरुआ है, तट पक जाइए। तो अभी हम लोग हैं कल्पवृक्ष के सामने, पेड़ के सामने, जैसे आप लोग देख रहे हो। अभी थोड़ी सी जानकारी पंकज आशांक देंगे, कुछ देना चाहेंगे। ये कल्पवृक्ष बहुत पुराना है। कल्पवृक्ष बहुत पुराना, मैं बचपन से जान रहा हूँ कि ये बहुत पुराना है। और मैं 12th में था तो आखिरी टाइम आया था 2012 में, तभी मैं ये बताया था ये पेड़ बहुत पुराना है। और यहाँ पे हम लोग साइकिल उड़ाते थे, गाड़ी उड़ाते थे, ये यहाँ पे आते थे, कोचिंग बारे से चले आते थे। और यहाँ पे ऐसे देखिए तागा तागा लपेटा हुआ। सब लोग का कहना मानना है कि यहाँ पे जो है 2 रुपया रील खर्चा करता है उसकी जिंदगी की रील बहुत अच्छी बन जाती है। हम लोग थोड़ा मजाक में बता रहे हैं। वैसे मान्यता है यहाँ पे कि यार मैंने देखा था तुम भी आके लिखते थे शशांक संग कुछ। लिखे नहीं हो? नहीं, वहाँ पे ऊपर वाली डाली पे चढ़ के इस पे से चढ़ के लिखे नहीं थे? नहीं, इस पे नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है भाई, डेरक दीवार पे लिखा था, मैंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था। आइए अब चलते हैं पंकज के साथ, थोड़ी बात करते हैं। वो क्या अपना रिव्यू देना चाहते हैं इस पेड़ के बारे में, रिव्यू या क्या बताना चाहते हैं? इस वृक्ष की मान्यता ये है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग में देवी सत्यभामा के लिए भगवान शिव श्री कृष्ण जो है इसे स्वर्ग से लाए थे। अच्छा। यह जो देव वृक्ष है यह समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था। और जो 14 रत्न हैं उन 14 रत्नों में एक रत्न यादी है। अच्छा अच्छा, ये पूरे देश में मैंने सुना एक ही है? ये बाराबंकी में है। एक बाराबंकी। यार वो पारिजात है कि कल्प है? पारिजात ही कहते हैं यार उसको, क्योंकि अभी वहाँ गया नहीं हो तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखते चला जाता है, नहीं दिए नहीं तो चलते हैं। चलते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे अगली बार। आप लोग को देखे होंगे यार, देखो थोड़ी बहुत हम लोग अपने मन से जानकारी दी है, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हुए। और अगर आप लोग को भी यहाँ पे आना है तो आप आओ। अगर पहली बात तो अगर आप सुल्तानपुर में रहते हो तो दीवानी आना, दीवानी से थोड़ा सा और आगे आओगे तो आप आओगे सिविल लाइन पड़ता है, वहाँ पे आना। जिला उद्योग पड़ता है, कहते हैं प्रांगण है, जो भी है मतलब कार्यालय उनका वहाँ पे। और उसी के बगल है पर्यावरण पार्क, उसके बगल में आपको मिल जाएगा कल्प वृक्ष या पारिजात वृक्ष, जो भी कह सकते हो आप लोग।
वहाँ पे आओ और यहाँ पे दर्शन करो। और यहाँ पे फूल वूल होता है, अभी पता चला कि सिर्फ रात में फूल निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं, ऐसा पता नहीं, क्योंकि एक बार मैं अपने नाना के साथ आया था तो दिन में भी फूल निकले थे, फूल गिरे हुए थे वहाँ पे, मतलब ऊपर से गिरा था। और बहुत ही जो पंडित है वो कहे कि बहुत खुशी की बात है कि आप आए और फूल गिरा हुआ है। तो ये सारी कहानियां होती हैं और बहुत ही मतलब मोटा पेड़ तो है ही। और मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि आप अपनी मन्नत मांगिए और वो पूरा होता है। तो अगर आप लोग हो सुल्तानपुर में तो आओ, अपनी मन्नत मांगो। शशांक ने मन्नत मांग लिया है कि उसके साथ उसकी शादी हो जाए, पंकज ने भी मन्नत मांग लिया है कि उसके साथ उसकी शादी हो जाए। अच्छा, नौकरी मांगे थे, अच्छा परमानेंट हो जाए, तो ये मन्नत मांगे हैं। तो पंकज ने मांगा है कि स्कूल भी खुल जाए, अब तो जो स्कूल नहीं खुलेगा इस साल हम बता रहे हैं। और पंकज मांगे हैं कि उससे उसके साथ उसकी शादी हो जाए, मतलब उसके साथ उनकी शादी हो जाए और जल्दी शादी करा दे इनके घर वाले इनकी। और इन्होंने यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये दोनों आए थे ना एक बार अपना अपना नाम दिखे किसी के संग, अब वो तना भर गया है, नहीं तो मैं दिखाता आप लोग को। लंबा नहीं, सही बोल रहा हूँ। तो बाय बाय गाइस, नहीं कभी इस पे छुए नहीं है, हमको याद ही नहीं। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे सीरियस ना ले लेना। और ये था हमारा कल्पवृक्ष, जो हमारे सुल्तानपुर की शान है, आन बान और शान जो भी कह सकते हो वही है हमारे सुल्तानपुर का ये। और इसी तरह अभी कुछ और मिलेगा तो वो भी मैं आप लोग को दिखाता रहूंगा। मस्ती मजाक था वीडियो, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर लीजिएगा। ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टाटा।